आगरा इन दिनों अवैध शराब के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि आगरा में अब पुलिस लगातार अवैध शराब के गोदाम पर छापे मार रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने इस माह में इलाके में 2 गोदामों पर छापे मार कर करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद कर ली है, लेकिन अभी पुलिस ये नहीं जान पाई है कि ये शराब किसकी है और इसके मालिक का नाम क्या है। SSP सर द्वारा चलाए जा रहे अभियान, अवैध गतिविधियों के जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मुखबिर से सूचना मिली कि नंगला बिहारी में जो है एक फैक्ट्री का गोदाम टाइप का है और उसमें काफी मात्रा में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसपे SHO एतमादौला और पूरी टीम के साथ यहां पे छापे कार्रवाई की गई। तो इसमें भारी मात्रा में जो है हरियाणा की जो है देशी और अंग्रेजी की काफी मात्रा में यहां पे शराब पाई गई है। लूज भी है काफी, ड्रम्स वगैरह में रखी गई है, लगभग अनुमानित मूल्य 50 से 60 लाख के आसपास की है। इसके अलावा यहाँ पे 2 और अवैध गतिविधियां चल रही थी। एक प्लास्टिक को जो है, जो कूड़े और बोरियां वगैरह हैं, उनको जला के बाई प्रोडक्ट के रूप में चीजें बनाई जा रहे थे, जो कि अवैध है। और इसके अलावा लकड़ी के कुछ मात्रा में लकड़ियां पाई गई हैं, जिनको कट करके जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है फ्यूल टाइप का बनाया गया है, जो बायोफ्यूल टाइप का बनाया है, वो भी किसी कंपनी के रैपर्स में उसको पैक किया गया है। संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। लूज है, ड्रम्स में काफी लूज है, तो इसमें जो है रैपर्स भी मिले हैं और इस पे स्टिकर वगैरह मिले हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काम यहाँ पे करते थे। जी, गिरफ्तारी नहीं, इस पे कार्रवाई की जा रही है, टीमें लगा दी गई है और सत्यविधि कार्रवाई की जा रही है।